राजनीतिक मोरालिटी का जो कंपास है वो इतना लो है कि अब वो जमाना चला गया कि किसी पर सीबीआई चार्जशीट कर दे और वो इस्तीफा दे दे। तो मुझे तो नहीं लगता है कि जिस तरह की राजनीति ये लोग करते हैं, सीबीआई के चार्जशीट करने से ये कोई इस्तीफा देने वाले हैं या पद छोड़ने वाले हैं। जहां तक सरकार की स्थिरता का सवाल है, मेरी जो थोड़ी बहुत समझ है, मैं नहीं समझता हूं कि लोकसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा परिवर्तन यहां होने वाला है। जिस दिन ये महागठबंधन बना था और पत्रकार बंधु बहुत उत्साह में कुछ लोग ये बता रहे थे कि ये देशव्यापी इसका असर होगा, उस दिन भी मैंने ये कहा था कि महागठबंधन बिहार स्पेसिफिक घटना है और ये लोकसभा चुनाव तक इस स्वरूप में चलेगा, लेकिन अगला लोकसभा का जो चुनाव होगा वो आप लिख कर रखिए, वो इस स्वरूप में नहीं होगा। और मेरी बात ऑलरेडी चरितार्थ होनी शुरू हो गई। मान लीजिए एक आदमी निकल गए, कुशवाहा जी निकल गए। देखिए, जब आप सरकार चलाते हैं तो 7-8 दल भी आप साथ में मिलकर सरकार चला सकते हैं, लेकिन सरकार चलाना एक बात है और साथ में रह के राजनीति करना, चुनाव लड़ना अलग बात है। 7 दलों का गठबंधन आपस में बैठ के तालमेल बैठाकर राजनीति कर ले, चुनाव लड़ ले, ये संभव नहीं है। मेरा भी अपना 10 साल का अनुभव रहा है, आप इतने लोगों की आशाओं अपेक्षाओं को एकोमोडेट कर ही नहीं सकते हैं। तो लोकसभा का चुनाव होगा, एक और महागठबंधन है, भाजपा वाले जो कर रहे हैं वो करें। जो भी परिणाम आएंगे, मैं आपको ये लिख कर दे सकता हूं कि अगले विधानसभा से पहले आमूल चूल परिवर्तन आपको बिहार की राजनीतिक स्थिति में और यहां के राजनीतिक दलों के फॉर्मेशंस में दिखेगा। अगला विधानसभा का चुनाव ऐसा नहीं होगा कि 7 दलों का महागठबंधन एक और एनडीए एक और, वो नए फॉर्मेशन में ही चुनाव होगा। ये बात मैं जिस दिन से महागठबंधन बना है उस दिन से कह रहा हूं।